लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और देश में रविवार को होने वाला चरण अंतिम चरण है, जिसके बाद 23 मई को पूरे देश में एक साथ मतगणना होगी। मतगणना के दिन सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और सबसे पहले सर्विस मतदाता पोर्टल पर प्राप्त मतपत्रों की गणना की जाएगी। लोकसभा चुनाव में पहली बार ETPBS पोर्टल के जरिए सर्विस वोटर्स को मतदान की सुविधा दी गई और उस दिन सबसे पहले इन्हीं मतपत्रों की गिनती की जाएगी। शनिवार को निर्वाचन आयोग ने कार्मिकों को इन मतपत्रों की गिनती को लेकर ट्रेनिंग दी, साथ ही कर्मचारियों को मतगणना के नतीजे सुविधा पोर्टल पर जारी करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसकी मतगणना 23 तारीख को राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में संपन्न होगी। तो इसमें जो ECI के पोर्टल है सुविधा, उस पर राउंड वाइज डिटेल्स फीड होंगे और साथ ही साथ जो ETPBS के माध्यम से जो पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए हैं उनकी प्री काउंटिंग के लिए स्कैनिंग होगी QR कोड के माध्यम से। इस संबंध में आज हमने यहाँ मीटिंग हॉल में ACPs, प्रोग्रामर्स और सूचना सहायकों की ट्रेनिंग संपन्न की है। उन्हें बताया गया है कि किस तरीके से ETPBS के जो एनवलप्स आएंगे उनकी किस तरीके से स्कैनिंग करके वैलिडेशन करना है, कैसे उनको गणना के लिए आगे भेजना है और साथ ही साथ सुविधा पोर्टल पर जो एंट्री करनी है वो उन्हें कैसे करनी है। उसकी गणना के लिए कई चेक रखे हुए हैं जिसको हम QR कोड के थ्रू स्कैन करते हैं। इसमें दो लिफाफे होते हैं और एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, उनको तीनों को QR कोड से स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद उनकी वैलिडिटी की जाँच की जाती है, फिर जिससे सामान्य डाक मतपत्रों की काउंटिंग होती है उसी तरीके से उनको काउंटिंग किया जाता है। तो इसमें इतना अच्छा इसका ETPBS का जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया जा रहा है, इसका बहुत अच्छा लाभ ये मिला है कि मुश्किल से 20% जो पोस्टल बैलेट जो सर्विस वोटर्स के यहाँ पर आते थे वो संख्या 300 गुना तक लगभग बढ़ गई है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें 4 या 5 गुना तक उसका विस्तार हुआ है, तो उनके वोट का अब कुछ मतलब निकलने लगा है।